एक सेशन अपन जीके का ही हो जाएगा। पहले देख ले रहे हैं अपन कैसे एनेस्थीसिया काम करता है और पेन किलर्स कैसे काम करती हैं, है ना। तो पहला देख रहे हैं पेन किलर्स कैसे काम करती है, देखते हैं कैसे काम करती है। कल का वीडियो मैंने पता नहीं अपलोड किया कि नहीं, सैडेट का वीडियो है पेन किलर्स कैसे काम। एक सेशन रहेगा जीके का, उसके बाद अपन फिर से चैप्टर पर जाएंगे। Say you're at the beach and you get sand in your eyes. How do you know the sand is there? You obviously can't see it, but बोल रहे हैं अगर आप बीच पर हैं और आपको एकदम से आंखों में सैंड चली जाती है, रेत चली जाती है, तो आपको कैसे पता चलेगा रेत चलेगी? तो अब बोले हम फील कर सकते हैं। if you are a normal, healthy human, you can feel it. That sensation of extreme discomfort. अगर नॉर्मल ह्यूमन हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, अलग सा फील हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा इचिंग जैसी हो रही होगी, वहीं पर ध्यान जाएगा बार बार बार। Also known as pain. Now, इसी को हम दर्द के नाम से जानते pain हैं। makes you do something. In this case, rinse your eyes until the sand is gone. बोले इस केस में आप अगर रिलीव करना है पेन से, तो इस केस में आप क्या करो, पानी से आंख धो लो तो रेत बाहर निकल जाएगी और आपको आराम लग जाएगा। How do you know the sand is gone? Exactly, because there's no more pain. There are people who don't feel pain. Now that might कुछ पीपल होते हैं जिनको पेन फील नहीं होता। sound cool, but it's not. If you can't feel pain, you could get hurt or even hurt yourself and never know it. और अगर बोले अगर आप पेन नहीं होगा आपको तो कभी फील नहीं होगा आपको और ना सिर्फ काम नहीं कर रही होंगी। Pain is your body's early warning system. It protects you from the world around you and from yourself. बोले पेन जो होता है, दर्द जो होता है, वो एक तरह का अलार्म सिस्टम है। वो पेन इसलिए होता है ताकि आपकी बॉडी और ज़्यादा खराब कंडीशन में ना चले जाए। As we grow, we install pain detectors in most areas of our body. These detectors are specialized nerve cells called nociceptors that stretch. बोले जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे बॉडी में कई पॉइंट्स हो जाते हैं, कई ऐसी जगह हो जाते हैं जो सेंसर्स की तरह, ये पेन 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 जो दर्द होता है ना उसके सेंसर की तरह काम करते हैं, इन्हें नोसीसेप्टर्स बोलते हैं। Stretch from your spinal cord to your skin, your muscles, your joints, your teeth, and some of your internal organs. सब जगह होती है, त्वचा में भी, हड्डी में भी, मांस में भी, इंटरनल ऑर्गन में भी। Just like all nerve cells, they conduct electrical signals, sending information from wherever they're located back to your brain. वो नर्व सेल्स जो है वो सिग्नल भेज रही होती हैं कान से माइंड तक, हार्ट से माइंड तक, सब जगह नर्व सेल्स हैं, वो तो हमको पता ही, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन्स। But unlike other nerve cells, nociceptors only fire if something happens that could cause or is causing damage. नॉर्मली जो सिंपल नर्व सेल्स होती हैं वो सारी चीज़ें ब्रेन तक भेज रहे होते हैं, सारे सिग्नल, लेकिन जो नोसिसेप्टर्स होते हैं वो केवल जब पेन होता है तब वो नोसिसेप्टर्स ही काम कर रहे होते हैं। So, gently touch the tip of a needle. You'll feel the metal, and those are your regular nerve cells. But you won't feel any pain. बोले अगर आप हल्का सा टच करोगे, केवल छू रहे होगे किनारे को, तो आपको महसूस हो सकता है वो किनारा, और आप कोई दर्द महसूस नहीं करोगे, लेकिन वो सिग्नल जो है वो सिंपल नर्व सेल के द्वारा मस्तिष्क तक जा रहे होंगे। देखो अब डीप में चले गए बात, टेंथ क्लास इस पे बात नहीं करती है। टेंथ क्लास बोलती है तो भाई नर्वस सिस्टम है, उसके लिए दोनों ही चीज़ सेम है, लेकिन अगर डीप में बात करेंगे तो दो अलग अलग प्रकार की तंत्रिका कोशिका होती है। तो बायो वाले स्टूडेंट के लिए है ये चीज़, टेंथ क्लास में इसका लेना नहीं है, अपन रियल लाइफ से डील कर रहे हैं अभी इसमें। Harder you push against the needle, the closer you get to the nociceptor threshold. जैसे जैसे हम ज़्यादा डीप घुसाते जाएंगे सुई को उंगली में, तो उतनी जल्दी अंदर होता है, जो नोसिसेप्टर्स होते हैं वो अंदर होते हैं, नॉर्मल स्किन के अंदर होते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। Push hard enough and you'll cross that threshold and the nociceptors fire, telling you और ज़्यादा तेज दबा दोगे तो नोसिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे और फिर your body to stop doing whatever you're doing. But the हमें बॉडी को बोलेंगे कि मत करो ऐसा, नुकसान हो रहा है। Threshold isn't set in stone. Certain chemicals can tune nociceptors, lowering their threshold for pain. Now, when cells are damaged, they and other nearby cells start producing these tuning chemicals like crazy, lowering the nociceptor's threshold to the point where just touch can cause pain. कई बार जब कोशिका ज़्यादा डैमेज हो जाती है तो नोसिसेप्टर्स रिलीज करने लगती हैं, और उस केस में हम जरा सा भी, हल्का सा भी अगर पेपर तक पकड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। And this is where over-the-counter painkillers come in. Aspirin and ibuprofen block एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन जनरल नेम है दवाइयों के, यहाँ पर इस ऐसी दवाइयाँ काम आती हैं दर्द निवारक।
block production of one class of these tuning chemicals called prostaglandins. Prostaglandins. Let's take a look at how they do that. When cells are damaged, they release a chemical called arachidonic acid. जब कोशिकाएं डैमेज होती हैं तो वो एराकिडोनिक एसिड जो है प्रोड्यूस करती हैं। Now two enzymes called COX-1 and COX-2 convert this arachidonic acid into prostaglandin H2, which दो एंजाइम इस एसिड को चेंज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में। Which is then converted into a bunch of other chemicals that do a bunch of things. तो उसके बाद वो अलग केमिकल में उसको कन्वर्ट करते हैं। Including raise your body temperature, cause inflammation. और इस दौरान आपकी जो है वो तबीयत खराब हो जाती है, वहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लेशन मतलब कि वहाँ इन्फ्लेशन मतलब कि संक्रमण हो जाना, सूजा सूजा दिखना या रेडिश दिखना भाग, है ना, and lower the pain threshold. Now, और जो पेन होता है हमको उसको थोड़ा सा कम कर देती हैं वो, इस कारण से वो केमिकल बॉडी रिड्यूस कर रही होती है. All enzymes have an active site. That's the place in the enzyme where the reaction happens. The active sites of COX-1 and COX-2 fit arachidonic acid very cozily. वो जो एंजाइम होते हैं, जो जो दर्द वाला एसिड होता है ना, वो एंजाइम में खाली जगह पर बैठ जाते हैं यहाँ पर. As you can see, there's no room to spare. Now it's in this active site that aspirin and ibuprofen do their work. So they work differently. Aspirin acts like a spine from a porcupine. It enters the active site and then breaks off, leaving half of itself in there, totally blocking that channel and making it impossible for the arachidonic acid to fit. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? वहाँ पर जो एंजाइम होता है, वहाँ पर एरेकिनोनिक एसिड जो भी बोला उन्होंने, एरेकिनोनिक एसिड जो भी था क्या था? एरेकिडोनिक एसिड. हमें पेन कब होता है? जब वो बॉडी ने वो एरिकिडोनिक एसिड बनाया और वो एंजाइम की इस खाली जगह पर बैठ जाता है, तब हमें पेन होता है. और ये पेन किलर्स क्या करती हैं, जैसे एस्पिरिन हो गया, तो एस्पिरिन का एक भाग उस खाली जगह में रह जाता है, जिसके कारण से एरिकिडोनिक एसिड उस भाग में बैठ नहीं पाता है. अब क्वेश्चन पूछा है तो आंसर हजम करने की हिम्मत रखो, थोड़ा सा खतरनाक है. जो हमारी बॉडी में जो एंजाइम होते हैं जो कि दर्द को महसूस करवाते हैं, उन एंजाइम में जो रिक्त स्थान होता है जहाँ पर एरेकिडोनिक एसिड जो है वो बैठ जाता है, जब हमें कब लगता है बनता है एरेकिडोनिक एसिड, जब कोशिका डैमेज होती है, कोशिका को नुकसान होता है, तब बन रहा होता है एरेकिडोनिक एसिड, कुछ एंजाइम द्वारा बनाया जाता है वो एरेकिडोनिक एसिड, उन एंजाइम में फिट हो सकता है, उसके कारण से हमें दर्द होता है. अब वो जो रिक्त स्थान पे अगर एरेकिडोनिक एसिड की जगह पर ये जो एस्पिरिन होता है वो बैठ जाता है, तो वो एरेकिडोनिक एसिड नहीं बैठ पाता उसके This अंदर, permanently deactivates COX-1 and COX-2. जिसके कारण से COX-1 और COX-2 एंजाइम जो है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं. जब वो बैठ ही नहीं पाया तो वो काम ही नहीं कर पाया और उसके कारण से हमें दर्द नहीं होता. Ibuprofen on the other hand enters the active site but doesn't break apart or change the enzyme. COX-1 and COX-2 are free to spit it out again. But for the time that that ibuprofen is in there, the enzyme can't bind arachidonic acid and can't do its normal chemistry. तो ibuprofen क्या करती है? उसने तो aspirin ने COX-1, COX-2 को खत्म ही कर दिया था, काम ही नहीं करने दिया. ibuprofen थोड़ी देर के लिए काम करती है, वो उस जगह पे बैठ जाती है, जब तक वो रहती है तब तक ही arachidonic acid उसमें नहीं बैठ सकते और तब तक enzyme वहीं के वहीं है. But how do aspirin and ibuprofen know where the pain is? पता कैसे चलता है एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन को पेन कहाँ हो रहा है? Well, they don't. Once the drugs are in your bloodstream, बोले उनको नहीं पता चलता है. They are carried throughout your body and they go to pain. जब हम कोई दर्द होता है तो हम पेन किलर लेते हैं ना, तो पूरी बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी में जाता है. Painful areas just the same as normal. और जहाँ दर्द हो रहा होता है वहाँ काम कर जाता है, बाकी जगह काम नहीं करता. So that's how aspirin and ibuprofen work. But there are other dimensions to pain. Neuropathic pain, for example, is pain caused by damage to our nervous system itself. Neuropathic pain भी होता है, किस कारण से होता है? Neurons अगर damage हो जाती हैं. There doesn't need to be any sort of outside stimulus. And scientists are discovering that the brain controls how we respond to pain signals. For example, how much pain you feel can depend on whether you're paying attention to the pain or even your mood. हमारे मूड पे भी डिपेंड करता है, कई बार हमको पेन हो रहा होता है, उसके बाद अगर मूड अच्छा है तो पेन हमको फील नहीं होता. So pain is an area of active research. If we can understand it better, maybe we can help. बेसिक साइंस उन्होंने बता दिया हमको दर्द क्यों होता है और
वो COX-1 COX-2 एंजाइम के कारण होता है, जब जो बॉडी में नर्व जब कोशिका डैमेज होती है तो वो एसिड निर्माण करती है, वो एसिड उसमें बैठ जाता है तो हमको दर्द होता है। पेन किलर, अब मेन क्वेश्चन पे जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन पेन किलर बिटवीन पेन किलर एंड एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक ये क्या आ गया, जय गुरु पूजा, हाउ एनेस्थीसिया वर्क, ऐसे लिखते हैं हाउ एनेस्थीसिया वर्क, दोनों चीज में शायद मेरे ख्याल से अपने आप ही समझ में जाएगा एनेस्थीसिया कैसे काम करता है। एनेस्थीसिया जिनको नहीं पता है वो बता दूं, जब ऑपरेशन होता है कोई सर्जरी हो रही होती है हमारी, तो हमारी जैसे दांत निकालना है, आजकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा देते हैं, दांत शून्य होता है ज्यादा उसकी जगह का, और दांत खींच देते हैं प्लास प्लायर जैसा इंस्ट्रूमेंट रहता है और हमें कुछ दर्द नहीं होता। वैसे ही ऑपरेशन के दौरान अगर कोई काटा पीटी करना है बॉडी में, तो बॉडी में काटा पीटी करने के दौरान बहुत दर्द हो सकता है, इसलिए पहले जो है एनेस्थीसिया दे देते हैं, जिस कारण से आप अचेतन अवस्था में चले जाते हैं और वो आपको एनेस्थीसिया देकर ऑपरेशन कर लेते हैं पूरा, आपको पता नहीं चलता। कई बार ऑपरेशन में बंदा जिंदा रहता है, देख रहा होता है आसपास उसके पेट फटा हुआ है, उसको दर्द नहीं होता, लेकिन कैसे काम करता है एनेस्थीसिया वो If देख you've लेते had हैं। surgery, you might remember starting to count backwards from 10. बोल रहे हैं अगर आपको आपकी सर्जरी भगवान ना करे हो, किसी की हुई हो ना कभी हो, लेकिन अगर सर्जरी होती है तो डॉक्टर जो है वो 10 तक गिनता है, 10 सेकंड में असर कर जाता है इंजेक्शन 9, लगाने के बाद, 8, and then waking up with the surgery और फिर जब वापस उठते हैं तो सर्जरी का मार already दिखाई over देता है और before you खत्म हो even जाती है got to सर्जरी। 5. And it might seem like you were asleep, but you weren't. You were under anesthesia, which is much more complicated. You were unconscious, but you also couldn't move, form memories, or hopefully, feel pain. Without being able to block all those processes at once, many surgeries would be way too traumatic to perform. बोले अगर बिना एनेस्थीसिया नहीं होती तो बहुत सारी सर्जरी ड्रामेटिक होती है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है ना, बहुत ज़्यादा ड्रामा हो जाता है जबरन में, तो एनेस्थीसिया में कोई भी असर नहीं होता है, यहाँ तक कि हम दिमाग शून्य रहता है, कुछ समझ में नहीं आता, एकदम से उठते हैं तो फिर मेमोरी वापस आ जाती है। Ancient medical texts from Egypt, Asia, and the Middle East all describe early anesthetics containing हिस्ट्री बहुत पुरानी है एनेस्थीसिया के, बोल रहे हैं कि बहुत पुराने एनेस्थीसिया things like पुराने जमाने में opium यूज कर poppy. रहे हैं। ओपियम पापी जो है वो एक तरह से अफीम को बोला जाता है, तो अफीम का यूज करते थे पहले पुराने जो चिकित्सक, Mandrake fruit and alcohol. अल्कोहल का भी यूज करते थे। Today, anesthesiologists often combine regional, inhalational, and intravenous agents to get the right balance for a surgery. Regional anesthesia blocks pain signals from a specific. अलग अलग एनेस्थीसिया 3 प्रकार के, रीजनल, इनहेलेशनल एंड इंट्रावेनस। तो रीजनल क्या होते हैं वो For a बता surgery. रहे हैं। Regional anesthesia blocks pain signals from a specific part of the body from getting to the brain. बोल रहे हैं रीजनल एनेस्थीसिया में पर्टिकुलर जैसे हाथ में चोट लगी हुई है, बस हाथ की नर्व सेल्स से जो सिग्नल मस्तिष्क में जा रहा होगा उसको रोक दिया जाता है, वो सिग्नल मस्तिष्क तक नहीं जाता है। दोनों में अंतर समझ रहे हो मेरे ख्याल से। उसमें जो केमिकली प्रोड्यूस होता था एंजाइम, उसको वो एसिड को नहीं जाने देता था उसमें, इसके कारण से हमें दर्द महसूस नहीं होता था। एनेस्थीसिया में नर्वस सिस्टम पर असर कर रहा है ना, नर्वस Pain सिस्टम से and other सिग्नल नहीं भेजने messages दे रहा, travel through the nervous system as electrical impulses. वो आपको पता है, वो बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के तौर पर हर एक नर्वस सिस्टम से सिग्नल जो है वो ब्रेन तक जाता है। Regional anesthetics work by setting up an electrical barricade. They bind to the proteins in neurons' cell membranes that let charged particles in and out and lock out positively charged particles. One compound that does this. कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस करके वो विद्युत सिग्नल को रोक लेता है। This is cocaine, whose pain-killing effects were. कोकेन, कोकेन नाम सुना होगा आपने, ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है, तो उसका यूज कोकेन इसलिए तो बंद नहीं हो पाता, कोकेन का यूज मेडिकल फील्ड में किया जाता है एनेस्थीसिया में। Discovered by accident when an ophthalmology intern got some. बोले इसका एक्सीडेंटली इन्वेंशन हुआ था इसका, ऑप्टिम एक रिसर्चर जो है उस पर काम कर रहा था और एक्सीडेंटली उसके मुंह में चला On his गया tongue. It's still occasionally used as an था। anesthetic, but many of the more common.
बहुत कम इसका इस्तेमाल अभी भी हो रहा है कोकीन के रूप में। हम पूरी तरह से कोकीन का ही नहीं यूज हो रहा है, बहुत सारी चीजें इनका यूज हो रहा Common regional anesthetics have a similar chemical structure and work. बोल रहे हैं कोकीन जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, कोकीन ही नहीं होता है, सिमिलर होता है जैसे। The same way. But for major surgeries where you need to be unconscious, you'll want something that acts on the entire nervous system. और अगर कोई मेजर सर्जरी हो रही है आपकी, कोई मेजर ऑपरेशन हो रहा है, जैसे हार्ट ब्लॉकेज का ऑपरेशन हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, आंत का ऑपरेशन हो रहा है, तो उसमें आपको पूरी बॉडी को सलाना होता है, पूरी बॉडी में एनेस्थीसिया लगाना होता है। Including the brain. That's what inhalational anesthetics do. फिर उसके बाद इनहेल जो भी बोला उन्होंने, दूसरे प्रकार का जो होता है वो वाला In Western एनेस्थीसिया यूज medicine, करते हैं। diethyl ether was the first common one. It was डाइथाइल ईथर अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। best known as a recreational drug इथर नहीं आता अनफॉर्चुनेटली में, लेकिन केवल थोड़ा सा बता दूंगा इथर क्या होता है। until doctors started to realize that people sometimes didn't notice injuries they received under the influence. In the 1840s, they started sedating patients with ether during dental extractions and surgeries. Nitrous oxide became popular in the decades that followed and is still used today. नाइट्रस ऑक्साइड जिससे जो हंसाने वाली गैस है, हंसते हैं वो हंसती है, उसका यूज किया जाता है एनेस्थीसिया में। अजीब बात है लेकिन किया जाता था। Although ether derivatives like sevoflurane are more common, अच्छा दोनों के कॉम्बिनेशन में करते होंगे। inhalational anesthesia is usually supplemented with intravenous anesthesia, which was developed in the 1870s. अच्छा तो common सब intravenous बना था agents ये। include sedatives मेरे like ख्याल से मेन propofol, प्रॉब्लम which समझ में आ induce गई है, unconsciousness, and अब opioid, ज्यादा नहीं समझते। and the GA from transmitting electrical signals. बोरिंग लगन होने लगेगा। नहीं तो मेन बेसिक बड़ा अंतर समझ में आ गया आपको। जो पेन किलर्स होते हैं, दर्द की दवाई होती हैं, वो क्या करती हैं, उन्होंने डॉक्टर ने पहले दर्द की क्रियाविधि समझी, तो देखा कि जैसे ही कोशिकाएं डैमेज होती हैं, एक एसिड बनता है, वो कुछ एंजाइम COX-1 COX-2 एंजाइम में जाता है, जिसके कारण से हमें दर्द का महसूस होता है। पेन किलर्स खा लेते हैं हम, तो वो जो स्पेस रहता है COX-1 COX-2 में, वो पेन किलर भर देते हैं और हमें उस टाइम दर्द नहीं हो रहा होता है। दोनों में अंतर भी बताया कि दो प्रकार की पेन किलर होती हैं, एस्पिरिन और दूसरी वाली एक होती है आइबुप्रोफेन जो भी था। पेन जो एस्पिरिन होती है वो एंजाइम को ही खत्म कर देती है नहीं जा पाता, जबकि आइबुप्रोफेन जो भी थी दूसरी वाली, वो जो है वो केवल कुछ समय तक उसमें बैठी रहती है और फिर गायब हो जाती है। तो इसलिए पेन किलर में एस्पिरिन का यूज जो है वो बंद कर दिया लगभग लगभग, फिर एस्पिरिन का यूज ना करें भैया, बाद में दिक्कत होगी, नहीं तो आप है ना, तो एस्पिरिन खराब है, बेकार है। तो वो पेन किलर होती है, और एनेस्थीसिया में हम नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, नर्वस सिस्टम को रोक देते हैं। अब वो चाहे एक पर्टिकुलर जगह का रोकना हो, चाहे फिर पूरे बॉडी को रोकना हो, तो उस प्रकार से नर्वस सिस्टम से सिग्नल ही भेजना बंद हो जाते हैं माइंड, है ना। तो ये जीके की बात हो गई, अब अपन मेन अपने चैप्टर पे। और किसी को और इसी में कुछ पूछना है या जीके का कोई क्वेश्चन पूछना हो, 5 मिनट और देते हैं हमें। भैया भैया कोकेन कैसे बनाते? कोकेन बनाना है देखो, कोकेन का स्ट्रक्चर देख सकते हाँ हैं। भैया देख ले। हाँ समझ गया। कोकेन की स्पेलिंग गलत लिखी क्या? बनाना तो जाहिर सी बात है, आप खुद ही समझते हो कि नहीं हो सकता, वो पॉसिबल उपस्थित नहीं होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है। कोकीन का स्ट्रक्चर देखो सिंपल से, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये क्या कांड करके रखा है। C17H21NO4 कोकीन का फॉर्मूला ये होता है। अब जाहिर सी बात है इसकी बनाने की विधि तो नेट होगी नहीं, और कोई कोकीन के अलावा हीरोइन गांजा मांजा बनाने की पूछना तो पूछ लो, चल रहा है यहाँ पर। भोपाल त्रासदी हुई थी कल, कल बरसी थी, कौन सी गैस निकली थी भोपाल गैस त्रासदी में? मिठाई
मिथाइल आइसोसाइनाइड पूरा फॉर्मूला है। हाँ जय, तो बोलेंगे अभी पीछे से वो लोग। हाँ जय, तो बोल रहे थे हम, सुन लिया मैंने बिना बोले ही। तो ये फॉर्मूला होता है, अब देखो इस फॉर्मूले को अगर कोई नया बच्चा पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप अब बॉन्डिंग पढ़ चुके हो, आपको पता है ये बॉन्ड क्यों लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है। बराबर का साइन नहीं है, बॉन्ड है ना। तो जो बच्चे नहीं पढ़े हुए होंगे उनको तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप पढ़ चुके हो ना। क्रिस्टल ऐसा दिखाई देता है रियल में, ऐसा अजीब सा है ना, ऐसा दिखाई देता है मिथाइल आइसोसाइनाइड का क्रिस्टल, मतलब अणु। और सूत्र ये रहता है, और इलेक्ट्रॉन मीनू संरचना आप खुद ही बना सकते हो। ये बच्चे की फोटो बहुत फेमस है। चलो फिर टास्क शुरू करते हैं अपन। भैया हाँ वो ग्रीन आउट, सॉरी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, उसमें वो बोलते हैं कि हमारी वो ना ओजोन गैस है उसको वो आच्छादित करती है, तो कैसे उसमें क्या होता है? एक्चुअली पहले हम जब रेफ्रिजरेटर और एसी वगैरह का निर्माण हुआ, या फिर हम ये बोल सकते हैं कोल्ड स्टोरेज डिवाइस का निर्माण हुआ, जो कि ठंडा रखती हैं या ठंडा कर सकती हैं, उनका निर्माण हुआ तो उसमें क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैस का यूज होने लगा। क्लोरो फ्लोरो टाइप है, उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी। क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैसेस का टाइप है, उसमें बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ इस चीज को। तो बहुत सारी गैसेस थी, उसमें से जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन में, जैसे उदाहरण के लिए सी सी एल फोर क्लोरो फ्लोरो कार्बन, CCl2F2 ऐसी करके गैस होती थी, ऐसे करके गैसेस होती थी CCl2F2। इसमें कि बहुत सारी गैसेस थी, उसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है। तो ये गैसेस जब भी स्टार्टिंग में तो पता नहीं चला इसका, लेकिन बाद में पता चला कि ये गैसेस जब अंतरिक्ष में जाती हैं, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में जाती हैं, तो बाकी गैसेस के साथ तो क्रिया नहीं कर रही, लेकिन ओजोन के साथ रिएक्ट कर रही हैं। रिएक्ट भी नहीं कर रही थी एक्चुअली, उसको रिप्लेस कर दे रही थी, ओजोन को हटा दे रही थी और खुद वहां पर चली जा रही थी। तो ओजोन गैस जो है वो धीरे धीरे कम होती गई, उसके मॉलिक्यूल्स हटते गए, मॉलिक्यूल्स हटते चले गए, तो ओजोन लेयर में छेद हो गया, है ना। दोनों अलग अलग बात है, ग्रीन हाउस इफेक्ट अलग चीज है, ओजोन का क्षरण क्षरीकरण अलग चीज है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन के कारण से ओजोन का क्षरण क्षरीकरण होता है। माफ कीजिएगा, शायद मैंने आपका गलत आंसर ले लिया, आपका क्वेश्चन था ग्रीन हाउस का, है ना। ओजोन लेयर का क्षरीकरण जो है वो क्लोरो फ्लोरो कार्बन के कारण से होता है, आपका क्वेश्चन है ग्रीन हाउस पर। दोनों अलग अलग फिनोमिना है। ग्रीन हाउस किसको बोलते हैं? ग्रीन हाउस को समझाने के लिए कांच का एक घर का नमूना लिया जाता है। कांच का घर लें यदि हम, और उसमें सूर्य का प्रकाश आने दें, तो आप पाओगे कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कांच के अंदर इंटर तो कर जाता है, लेकिन बाहर जाने के लिए पास उसके पास एनर्जी नहीं होती, वो ट्रैप हो जाता है कांच के घर में। उसके कारण से जो कांच के घर का तापमान होता है वो बाहर के तापमान से ज्यादा हो जाता है, मतलब वहां गर्माहट रहती है। तो बोले इस चीज का यूज हम ठंडे इलाकों में कर सकते हैं, ऐसे इलाके जहां पर सूर्य की रोशनी बहुत कम समय के लिए आ रही है, वहां पर खेती नहीं हो पाती, बर्फ ही बर्फ रहती है, तो कांच के घर ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, इसको समझाने के लिए यूज किया जाता है। बोले पृथ्वी के केस में भी ऐसा हो पा रहा है, पृथ्वी जो गोल है उसके आजू बाजू गैसेस हैं, वो गैसेस कांच के घर की तरह काम करती हैं। अच्छा, नॉर्मली प्राकृतिक तौर पे वो इतना ज्यादा गैसेस इतने ज्यादा परेशान करती नहीं, कांच जैसा मोटी हो नहीं पाती है, लेकिन जब हम पॉल्यूशन करते हैं, प्रदूषण करते हैं, तो कई ग्रीन हाउस गैसेस, जिनमें से एक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बहुत सारी गैसेस हो सकती है ग्रीन हाउस गैस, बताऊंगा अभी, इस पे सर्च करके देख सकते हैं अपन। ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बहुत सारी हो सकती हैं, जिसमें से एक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो यहाँ पर सर्च करके देखें यदि अपन ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, तो अपन को पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड मेन है, उसके बाद मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण से हो रहा है। वाटर वेपर मतलब पानी के अणु। ये गैसेस क्या कर रही हैं? ये पृथ्वी के आजू बाजू एक आवरण बना ले रही, जैसे ठंडे इलाकों में कांच का घर बना करा था ना अपन ने, वैसे ही पृथ्वी के आजू बाजू ये गैसेस जो है वो
आवरण बना ले, उसके कारण से क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश आ तो जाता है, नॉर्मली क्या होता है गैसेस कम होती हैं तो सूर्य का प्रकाश टकराता है और वापस चला जाता है बहुत सारी मात्रा में, लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसेस रहती हैं तो ये सूर्य का प्रकाश आके ट्रैप हो जाता है। इस चीज को देखो यहाँ पर डायग्राम लिखा हुआ है, आपको इसमें क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पर देखोगे यदि आप तो देखो सूर्य का प्रकाश नॉर्मल स्थिति में आता है, येलो वाला ये आया और यहाँ से वापस ट्रांसपेरेंट हो गया, लेकिन जब ये गैसेस की परत ज्यादा मोटी हो जाती है, गैसेस की परत ज्यादा मोटी हो जाती है, मोटी हो जाने के कारण से ये सूर्य का प्रकाश यहीं ट्रैप हो जाता है। जब ट्रैप हो जाएगा तो तापमान बढ़ जाएगा उस एरिए का, तापमान बढ़ जाएगा मतलब पूरे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ जाएगा तो उससे परेशानी क्या है, सबसे ज्यादा परेशानी है ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ के लिए। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि पूरे पृथ्वी का तापमान बढ़ना, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण से क्या हो रहा है, बर्फ पिघल रही है और समुद्रों का लेवल बढ़ रहा है ना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये था, और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बोला जाता है ना खेती करने वाला, उसको समझाने के लिए, इसको पृथ्वी के फिनोमेना को समझाने के लिए उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। चलो मेरे ख्याल से जीके का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, आधा घंटा हो चुका है, अपन चैप्टर पे आ जाते हैं ताकि आगे अगला चैप्टर अगले जो हमारे क्रियात्मक समूह बचे हुए हैं वो भी फटाफट करके निपट लें अपन, है ना। चलो एक बार फिर से ज्वाइन करो ताकि अपन साइंस पढ़ सकें अगला।